والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا मेरे भाइयों, आपने माशाल्लाह नामूस सहाबा और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक उनवान पर आज की इस कॉन्फ्रेंस का इनेकार फरमाया। हकीकत ये है कि आज सारा आलम इस्लाम लोग आए और सिर्फ आलम इस्लाम नहीं, गैर मुस्लिम भी रो रहे हैं जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है। पाकिस्तान में गजा के बारे में अहले फलस्तीन की मजलूमियत पर बड़ी बड़ी रैलियां कारवां निकले, वहीं अमेरिका के अंदर भी निकले हैं। आप हैरान होंगे, यहूदी यहूदियों के खिलाफ निकले हैं, यहूदियों के भी फिरके हैं। वो कहते हैं ये तौरात के खिलाफ है, यूरोप के मुल्कों के अंदर बड़े बड़े कारवां निकले कि हम फलस्तीनियों के साथ। ये क्यों निकले? इसराइल के जुल्म पर। और फिर उसके बाद क्या हुआ? ये यूरोप के हुक्मरान, ये अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इन्होंने मुजाहरों पर पाबंदी लगा दी। खास तौर पर जो एक नारा था कि हम अहले फलस्तीन के साथ, कहने लगे ये यहूदियों के खिलाफ है, मुजाहरों पर पाबंदी लगा दी। तो आज हम पूछते हैं, तुम तो कहते थे जब कुरान को जलाया जाता था, जब हुजूर के खाते बढ़ाए जाते थे, कहते थे हमारे हम बोलने की आजादी है, राय के इजहार की आजादी है। मैं पूछता हूं आज वो आजादी किधर है? और दुनिया खामोश क्यों है? कहां गई वो आजादी? अल्लाहु अकबर। और मेरे भाइयों, ये हमला हुआ ना फलस्तीन में एक अस्पताल पर, 800 डॉक्टर, नर्सें, मासूम बच्चे जो जख्मी थे, औरतें थी, शहीद हो गए। जो बाइडेन ने क्या कहा, अमेरिका के सदर ने, कहता है ये हमला इसराइल ने नहीं बल्कि हमास ने किया है। लो कर लो गल, रब्बे काबा की कसम है, मेरे रब के अंदाज नराले हैं। अमेरिका करने वाला बमों का एक्सपर्ट उसने इंटरव्यू दिया, उसने कहा ये जो मिसाइल चला है ये अमेरिका का बना हुआ है, G10 इसका नाम है, ये अमेरिका का बना हुआ है। और जिस जहाज के जरिए गिराया गया है ये वैसे नहीं गिरता, वो F-16 है,
16 भी अमेरिका के पास है। जी डैम मिसाइल जो है वो भी अमेरिका ने इसराइल को दिया है। फिर उसने कहा कि इसके पीछे जो सिस्टम है वो हमास के राकेटों में नहीं है, वो इस मिसाइल के अंदर है, क्योंकि जब ये चलता है तो सीटी मारता है और जहां गिरा है 500 के करीब लोग शहीद हुए हैं। जो हमास का राकेट है वो इस काबिल नहीं है। सारी दुनिया के अंदर रब्बे काबा की कसम है, ये हकीकत आने के बाद अमेरिका के पास मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं है। मुंह काला किया तो खुद अमेरिका के एक्सपर्ट ने किया, ये मेरे रब का है। हाँ, जो हमास ने किया वो किया। अब सुनो क्यों किया, कैसे किया, आज मैं आपको बताता हूं। भाई जब तुमने वादा किया कि हम आजाद फलस्तीनी रियासत देंगे, इसराइली वजीर आजम मिस्टर क्लिंटन यासर अरफात 3 का वादा हुआ ऑस्लो के अंदर आज से 30 साल पहले, एक मगरबी किनारा दिया, वहां अब महमूद अब्बास की हुकूमत है, एक ये गजा है। मैंने आपको अभी बतलाना है कि गजा क्या चीज है। अल्लाह अब जनाब 30 साल गुजर गए, उनका हक नहीं उनको दिया। गजा वाले उठ खड़े हुए जिद्दोजहद के लिए, आए रोज वहां हमले करते हैं और गजा की पट्टी 40 किलोमीटर लंबी है, 12 किलोमीटर चौड़ी है। भाई इतना सा जोग्राफिया है, एक तरफ समुंदर है, दूसरी तरफ शाम, मिस्र की तरफ बाढ़ है, इसराइल की तरफ भी बाढ़ है, ओपन जेल है, वीजे पासपोर्ट का सिस्टम इसराइल के पास है, कमाई के लिए भी जाएं तो इसराइल के अंदर जाएं। फिर यहां के लोग जो एहतजाज करते हैं तो उनको जेलों में ठोंक दिया, जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं, शहीद करते हैं, कैदी बनाकर रखते हैं, कैद में ले जाते हैं। इज्जत है मेरी तुम्हारी बहनों बेटियों की लुटती है। अब मुझे बतलाओ इतना जुल्म किया जाए, हक भी न दिया जाए और जो रोजगार के लिए बाहर चले जाए वापस न आने दिया जाए। अबू नदाल एक नौजवान है जिसकी उम्र कोई 32-35 साल होगी, वो जर्मनी के अंदर गया, मुलाजमत करने लग गया, पैसे लेकर वापस आने लगा, गजा एयरपोर्ट पर उतरा और जब उतरा तो उसे कहा कि तुम यहां अपने घर नहीं जा सकते। और घर की क्या सूरत हाल है, मां ने, बहनों ने, भाइयों ने खाने तैयार किए हुए एयरपोर्ट पर लेने आए हैं, लेकिन मुलाकात भी नहीं हो सकी, सिर्फ फोन पर बतलाया कि मैं नहीं आ सकता। इस तरह के जब जुल्म किए गए, जिंदा रहना मुश्किल बना दिया गया और हमास वाले फिर जनाब उन्होंने बदले लिए और बदले लिए तो सुनो कैसे लिए। और फिर अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह अकबर,
उन्होंने सुरंगे खोदी और इतना सुरंगों का जाल बिछाया है, इतनी आलीशान बनाई है, मैंने देखी है। ये नहीं वहां जाकर देखी है कि ये ना समझ लेना, ये मीडिया में देखी है, रिसर्च करता हूं, वहां उनको पना भी मिलती है, असला भी रखा है। अब जनाब उन्होंने ये सुरंगें बनाई, तुम मंसूबा बनाया, इन सुरंगों से होकर अल्लाह के शेर इसराइल के मुल्क में जगह जगह निकले, हथियारों से लैस निकले, मगर हमले कहां किए, इसराइल के फौजियों पर किए, उनको वासल जन्म किया और बाकियों को गिरफ्तार करके आंखों पर पट्टी बांधकर सुरंगों के जरिए गजा में पहुंचा। कहो सुभान अल्लाह, बोल भी को मुसलमानों की कामयाबी से दिल खुश होया कि नहीं। अगला सुनो, अल्लाह अकबर। अब उन्होंने ये जो मोटरसाइकिल है इनके ऊपर चरखी लगाकर इसको हेलीकॉप्टर बनाया, क्या बात है यार। अब जनाब उन पर बैठे, उसी वक्त इन्होंने प्रवास की, इन्होंने भी वही किरदार अदा किया। तीसरे नंबर पर एक ग्लाइडर होता है, उसके ऊपर एक छतरी सी लगी होती है, उसको उड़ाया, ये गए अंदर, और फिर जनाब समुंदर के रास्ते छोटी छोटी कश्तियों के जरिए, और कश्तियों के जरिए जब ये सारी मूवमेंट हो गई तो ये तो सोए हुए थे, ये सालाना सात छुट्टियां मना रहे थे और आखिरी छुट्टी ये हफ्ते के दिन की थी। हफ्ताओं का यौम उत्सव, इबादत का दिन, जिस तरह हमारा जुमा है, ईसाइयों का इतवार है, यहूदियों का हफ्ता है, और ये हफ्ता उन्होंने मनाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें फिरौन से निजात दिलाई थी, आखिरी दिन हफ्ता। अब जनाब जो इनके मत में यहूदी थे वो तो तौरात और कोई इबादत, और बेशतर जो है वो तो सेकुलर है, उन्होंने सारी जुमे की रात उन्होंने जनाब डांस किया, शराबें पी, बदमाशियां की, ऊपर से अल्लाह के शेर गए, और गजा से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर बहुत बड़ा उनका फंक्शन था। उस फंक्शन को अजूरत तो इनमें इतनी है, 2-4 बंदों ने आसमान की तरफ ठाठा किया, दाएं बाएं इनको कुछ नहीं कहा, हाँकते हुए गजा में नहीं आए, और गजा में अल्लाह अकबर, और उसकी बाड़ों को भी तोड़ा क्रेन से, वहां से फिर अल्लाह के शेर निकले। और सुनो उससे पहले इन्होंने क्या किया, अल्लाह अकबर, जिनके बड़े बड़े टावर्स थे पूरे इसराइल के अंदर, उन पर इंटेलिजेंस का सिस्टम था, उसको नकारा बनाया, इसराइल सारा अंधा हो गया, इधर भी सोए हुए थे, मौका मिल गया, सारे इसराइल में भरपूर हमला किया। और एक बहुत बड़ा सिस्टम यार, जब बंदा कोशिश करता है यार, इतने कुर्सी पे भी कोई आजो खाली बैठा है, कही मेरा ख्याल फरुखी साहब चंगे लगन गए, आजो आजो कुर्सी भी वहां भारी सारी भारा बंदा इतने चाहिए बैठो, कुर्सी कुर्सी नहीं तो सारा मसला। अल्लाह अकबर, आज मियां साहब आए हैं लाहौर के अंदर तो कुर्सी का मसला, इमरान खान साहब कि कुर्सी खत्म हो गई तो कुर्सी का मसला, बिलावल कहता बारी मेरी होनी चाहिए कुर्सी का मसला, ये सारे कुर्सियों को लो रहे, हमारी नजर अमीर अंदा की नजर, मेरे भाई फारूकी की नजर, स्प्रेस पे जो आप सामने बैठे, हमारी नजर मजलूम मुसलमानों पर है, और कुर्सी पर नजर है तो वो जन्नत की कुर्सी पर नजर है। अल्लाह अकबर,
अब जनाब जिनकी नजर जन्नत की कुर्सी पर, क्या फरमाया मेरे हुजूर हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फिर दौस का इफ्तिताह फरमाएंगे। सहाबा अपने नामों से सहाबा कॉन्फ्रेंस रखी है, अंबिया साथ होंगे और सहाबा साथ होंगे, अहले बैत हमरा होंगे और फिर साथ कौन होंगे? अब होंगे जिनके अखलाक अल्लाह है, मुसलमानों की खातर उनके दिल धड़कते हैं। अल मुतजा रसूना फिल्ला वल मुतबादलूना फिल्ला अल मुतहाबूना फिल्ला, अल्लाह की खातर, अल्लाह की खातर मोहब्बत करने वाले। हदीसों कोई अकल करो, मैं हदीस पढ़ता पे तो उन्हें बेच शुरू करता का, मैं जिथे जावान आज भी मैं गया यार समझाउंदा ही रहा, नारा मारा मेरा, मैं कह यार अल्लाह का खौफ कर लो, अगे मौलाना साहब मसाइल दसन डे ते ये ज्यादा बेहतर नहीं भी यार मैं चुप चुप चुपता जाके छुप करके पीछे जाके आप बह जा, तो मेरी बारी आएगी तुम तकरीर कर लो। यार मौलवी हो अल्लाह तुम इंतजामिया के लोगों हदायत अता फरमाए, मैं जुमले इस वास्ते कह रहे हैं भी कैमरे के जरिए जाएगा तो साढ़े लोगों में हदायत मिल जाए। आज भी इख्तियार करो और बदले कीजिए, आज भी इख्तियार करो, इंकसारी इख्तियार करो। हाँ तुम्हें बात कर रहा था, सबसे बड़ा जंग का सिस्टम था, जंग का टेक्नोलॉजी का निजाम था, जिस पे अरबों डॉलर खर्च हुआ, जो सारी दुनिया में बाहर सारे जहान में अखलत था, वो आयरन डोम है। अमरीका का पैसा, यहूदियों का पैसा, यूरोप का पैसा, कि जो भी मिसाइल आएंगे रॉकेट आएंगे, ये आगे से सिस्टम चलेगा रास्ते में, उनको तबाह कर देगा। अब हम आपने सोचा इनका इलाज किमें करिए, अब इसका इलाज किस तरह किया, उसके लिए अब मैं मुझे आपको समझाना पड़ेगा साता और देसी अंदाज से, बड़ा मजा आएगा। और दसो सवाद लेना जाएगा नहीं, और जी बोले जी कहो सारे बुलंद आवाज नाल इंशाल्लाह जिहाद का समाज हमास का, उनकी कार्रवाई का, जिहादी कार्रवाई का मजा थवाद लुका। अच्छा मैंने वही दसो लाहौर दे विच भी बड़े बड़े माल बने, एक पैकेजेस माल है स्टेडियम विच और कई जगह ते ने, आवा गए हुए शीशे लगे हुए हैं, जब बंदा करीब जाता है तो शीशा खोल जाता है और थोड़ा सा आगे होता है तो फिर शीशा बंद हो जाता है। कोई नया बंदा अगर पहले दिन देखे तो कहेगा भी यार मेरा किड्डा वड्डा प्रोटोकॉल है, मैं किड्डा वड्डा चौधरी हाँ, या मैं किड्डा वड्डा पीर ते मुकद्दस शख्सियत हाँ, कि मैंने बहनिया सारी सच्चे खबरे हो गए ने तो मैं अगे हो तो बंद हो गए। पर मसला क्या है, इनके अंदर सेंसर है, वो सेंस कर लेते हैं, अल्लाह अकबर, वो सेंस कर लेते हैं कि बंदा आ गया है, पैरों का खड़ाक है, मैं खुल जावा, और जब आगे चला गया उस खड़ाक की आवाज आहिस्ता हुई तो बंद हो गया। अब जनाब अल्लाह के शेरों ने क्या किया, सुभान अल्लाह। और अल्लाह कुरान में फरमाता मेरे भाइयों, जो हदूफीन जो हमारे रास्ते में जिद्दोजहद करे, आगे बढ़े, कोशिश करे, इरादा कर ले, इन्नल्लज़ीन जाहदूफीन लनहदियन्नहुम सुबुलना, अगे तो वधे राह मैं बखावांगा, व इन्नल्लाह लमा अल मुफसिदीन, अल्लाह मोहसिनों के साथ है, ये है मोहसिन। अब जनाब देखो ना ये सेंसर होते हैं,
और इन्होंने ये जो सिस्टम बनाया है तो इंसानों के सिस्टम को देखकर ही बनाया है जो अल्लाह ने बनाया है। तो हमारी ये जो खाल है ना, इसके नीचे भी सेंसर का सिस्टम अल्लाह ने लगाया हुआ है। कहो सुभान अल्लाह। जो कोई कीड़ी किधर को लड़ जाए, सारे नु लड़िया पता नहीं किन्नी बारी लड़ती है, उसकी की लड़ता है, मच्छर तो लड़ता ही है ना रात नो। अल्लाह अकबर। अब जनाब मच्छर लड़े या चूटी लड़े तो वो जो सेंसर होता है वो आसाफी निजाम के जरिए फौरन दिमाग को इतला करता है कि इतने कुछ है लड़ गई है चौधरी साहब। तो अब जनाब दिमाग ऑर्डर करता है, हाथ को हाथ फौरन वहां जाता है या खारिश करता है या चुनती रगड़ देता है या मच्छर को बदल देता है। अच्छा अब मुझे बतलाओ, अगर चूंटियां दो चार पांच दस की बजाय वो कुछ 100-200 जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर काटे एक ही वक्त में, कोई नाक पे कटन रही है, कोई मत्थे थे, कोई बुल्ला थे, कोई जनाब है सीने थे, कोई लत थे, कोई ये बामा थे, किनिया सारी को 200-300। अब क्या करेगा, दिमाग आटर देगा, हाथ तो दो है उंगलां दस है, दो चार जगह पर हाथ फेर लेगा, बाकी यही हमास ने सत्य से नहीं अपनाई कि हम राकत मारेंगे 8-10-15-20-100-200 उनको तो रास्ते में तबाह कर देगा। जो कट्ठे ही एक हजार सत्या बाकी इसराइल का बेड़ा गर्क करेंगे। देखा निजाम, अब जनाब जब उन्होंने ये सिस्टम बनाया इसराइल के जो हेडक्वार्टर थे फौज के बाकी उनके सिक्योरिटी अधारों के रबे बाकी का समय उनका बेड़ा दुनिया है परेशान, अमरीका परेशान कि यार इतना लंबा चौड़ा असला पैसे ये हुआ क्या है, और इसराइल लिखे हुए उसका बेड़ा गर्क। हां मुसाद कितने गए, मुसाद इंटेलिजेंस का अदाला जासूसी का नेटवर्किंग कितने मर गया, कितने सौ गया इसराइल ने पल्ले कख लिया और हमारा जिंदाबाद दुनिया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद जरा इसराइल का जो आयरन डोम है जो वहां अरबों खरबों डॉलर लगा था वो भी ठोस। अब जो वो ये सिस्टम बाहर इसराइल देता था कौन खरीदेगा, इंडिया ने भी यही सिस्टम खरीदा, सरहदों पर लगाया, अरबों डॉलर दिया, वो भी जमन आने रोएगा, रोया बल्कि ये हुआ है। अल्लाह अकबर। अब आगे दूसरा मरहला, अब चाहिए तो ये था ना कि अब आलम इस्लाम आगे बढ़ता, पर हम तो अभी तक मंसूबा साजी कर रहे हैं। हमसे मुराद है आलम इस्लाम के जो लीडरान है। अल्लाह अकबर। और उधर से उन्होंने हमले शुरू कर दिए। मैं आपको बताऊं, अल्लाह की कसम फलस्तीनी बड़ी अजीब कौम है, बड़ी अजीब कौम है। और एक बात याद रखो, अजमत का पता आजमाइश में चलता, चूरी खान वाले मजनू बेशुमार आजमाइश में। मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया पर आई, मुझ पर है सबसे ज्यादा, क्योंकि हुजूर सैयदुल अंबिया है,
इमाम अल-अंबिया है, खत्म अल-मुरसलीन है। और फरमाया उसके बाद फिर दर्जा बदर्जा सहाबा है, ताबीन है, तबा ताबीन है, और बाकी लोगों में जितना ईमान ऊंचा उतनी आजमाइश की। हमारा हाल क्या है? छोटी छोटी बातों पर शिकवे, लड़ाइयां, दंगे, फसाद, मानवियों के फसाद। मेरा नाम निकाल लिखे और मैं ऊंचा लिख देता और मानवीय थे लड़ के बह गए। उलमा बड़ी बड़ा उनका मकाम है, पर जितना ऊंचा मकाम है अल्लाह ने पूछना भी उन्हें ही है। बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, मैं तो एक मिस्कीन सा आदमी हूं, पर कई इंजे भी तो है ना। अब सियासतदान फटियां तख्तियां, वह भी मैं बनाया, वह भी मैं बनाया, वह भी मैं बनाया, इतो ही मैं पैसे मेरे थे, फटी मैं लाई। और सुना रब्बे काबा की कसम है, मेरे हुजूर ने सरबरे कायनात ने सारे जहानों के इमाम ने मस्जिद नबवी को बनाया, मस्जिद कुबा को बनाया, पत्थर लिखवाया, पर रब ने मकाम अता फरमाया जो कुबा में दो रकत पढ़ने का उसको उम्र का सवाब मिल जाए। जो मस्जिद नबवी के अंदर एक नमाज पढ़ लेगा उसको कितना सवाब मिलेगा? 1000 नमाज का सवाब। और हुजूर ने फरमाया मरने की खास करो मदीने में। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, हर कोई जिससे पूछो मदीने जाने की खास है मेरे हुजूर ने। अर्श वाले रब के हुजूर दुआ की याद रख, जिनिया मक्के में तू बरकत रखियां ने ओदे नाल डबल मदीने च रख। बरकत की खास या अल्लाह, जे जितने सुनने वाले ने या अल्लाह सारे नु ले जा। आमीन। जिहड़े गए ने उन्हां नु भी ले जा, ते जिहड़े नहीं गए उन्हां नु भी ले जा, ते बाहर बाहर ले। आमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह को हुजूर ने तख्ती नहीं लगाई, पर रब्बे काबा की कसम है 1400 साल हो गए, आज भी 2.25 अरब मुसलमान हैं, हर एक के दिल पर हजरत मोहम्मद करीम के पाक नाम और मदीने की तख्ती लगी हुई है। पैसे खर्च करता है, तरले लेता है, होटलों के पैसे खर्च करता है, सारी जिंदगी पैसा पैसा करके जमा करता है, फिर मर जाता है। ओ मेरे भाइयों, ये मोहब्बत जो दिलों में है, मोहब्बत ये तख्तियां बात कर रहा था। ये जो फलस्तीनी लोग हैं इन पर जो आजमाइश आई है, उस आजमाइश पर मैंने अरब मीडिया भी देखा, इंग्लिश मीडिया भी देखा, सारा जहान देखा, रिसर्च करता रहा। अल्लाह अकबर। अब इतने बड़े बड़े मार के उन्होंने सर अंजाम दिए, इसराइल नु हला मारा, बल्कि मैं कमाना जी में मिल्क शेक नहीं बनाऊंगा, तुझी शेक कर देता। साढ़े को कख न हो सकता। अल्लाह अकबर। अब जनाब उन्होंने बमबारी शुरू कर दी, अब सिविल आबादी पर बमबारी, सिविल आबादी पर बमबारी, ये तो यूएन के चार्टर के खिलाफ है। अब जनाब अस्पताल पर बमबारी, ये जो अभी अस्पताल पर बमबारी हुई है, 500 से 800 तक डॉक्टर, नर्सें, बच्चे, औरतें जिनके इलाज हो रहे थे वो शहीद हुए, जिसके बारे में अमेरिका ने झूठ बोला, इसराइल ने झूठ बोला। अब ये अस्पताल किनका? क्रिश्चियन का, ईसाइयों का, वो वहां इलाज करते। यूएन जो है वो भी मदद देता है,
यार वो इस गिर्द आबादी में ईसाइयों की है, ईसाई भी मार दिए, अस्पताल भी तबाह, मुसलमान भी शहीद, डॉक्टर भी मारे गए। अब जनाब के उंगलियों से इनको इतनी मोहब्बत है, चलो हमारी तो कोई परवाह नहीं। जालिमों तुम्हें अपने इंसानियों की भी कोई परवाह है? आज अमीर अपना मुतालबा करता है, ये जो बदमाशी की गई है इस इसराइल पर और अमेरिका का जो बम है, जी डैम जिसका नाम है और उसी का 16 है एम्पायर, अकॉर्डिंग टू यूएन रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन इन पर मुकदमा चलाया जाए, इनको फांसी पर लटकाया जाए। इसराइली प्राइम मिनिस्टर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मेरी ये रिसर्च है, ऐ नहीं भी मैं ऐ नहीं फड़ा मारी जाऊंगा, मैं कानून की बात कर रहा हूं भाई। ये कानून है, लाओ ये कानून, करो इंप्लीमेंट। शो में बात ठीक है, सुत्ते पैन सारे। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, सबीलुना सबीलुना अल जिहाद, अल सबीलुना सबीलुना अल जिहाद, अल फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा बात ये है, फलस्तीनियों ना रिश्ता भी बड़ा कमजोर है, देखो आवाज भी बड़ी कमजोर है, तेरा गला भी बड़ा कमजोर है। अल्लाह अकबर, बारह रहने दो, अल्लाह की कसम इतनी अजीम का